जनरली हम जब देखते हैं इतने सारे आर्टिकल्स आजकल, तो हर नए दिन किसी ना किसी कंपनी की फंडिंग हो रही है, बट वो तो एंड रिजल्ट है। काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है कि मे बी यू नो इसके पीछे 4 महीने लग जाते होंगे, 6 महीने, या फिर किस किस केस में 1 साल भी लग जाता होगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी फंडिंग को कितना टाइम लगा था, और उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई? जैसे हम लोग जस्ट ये यू नो कॉन्वर्जेशन के पहले डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी की फंडिंग होते होते आपका सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई और कैसे आपने बैलेंस करी? सो मैं बोलूंगा मेरी फंडिंग कंपनी एग्जिट करने के बाद जल्दी हुई, बट उसका एक रीजन भी है क्योंकि मैंने पहले से चीजों को ट्रैक्शन रेडी किया हुआ था। लाइक ये जो बोल रहे हैं कि 4 महीने में 8 महीने में फंडिंग हो गई, ये थोड़ा सा या फिर आपकी प्रोफाइल बहुत सॉलिड है या फिर दूसरा आपके प्रोडक्ट ट्रैक्शन बहुत हार्ड होना चाहिए। लाइक कोई भी इन्वेस्टर आपको अर्ली स्टेज पे प्री सीड राउंड में फंड तभी कर सकता है जब आपके ट्रैक्शन नंबर्स क्लियर हैं, आपके पास एक अच्छा डेमो प्रोडक्ट है या प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है जिसमें वो लोग भी बेट लगा सकते हैं। एक इन्वेस्टर डेक रेडी होनी चाहिए और आपको अपनी 60 सेकेंड्स पिच को बिल्कुल तैयार रखना चाहिए, जिसे हम एलिवेटर पिच बोलते हैं, कि क्लियर होनी चाहिए। आप किसी से भी बात करो उनको 1 मिनट में, उनको फर्स्ट 10 सेकेंड्स में अंदर अंदर समझ में आ जाना चाहिए आपकी कंपनी क्या करती है। जैसे इवन अगर हम एक एड बनाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमें 2 या 3 सेकेंड में उनको पूरा गेम प्ले की पिक्चर देनी है और उनका इंटरेस्ट जगाना है। वैसे एक इन्वेस्टर के लिए भी 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर इन्वेस्ट उसका इंटरेस्ट रखना है, फिर नेक्स्ट 30 सेकेंड आप बेसिकली एक एड वीडियो जब आप एक इन्वेस्टर के पास जा रहे हो और आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो क्यों उनको आप में बेट लेना चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेरे केस में इट्स मोर अबाउट कि एक हार्ड ट्रैक्शन और मुझे अपनी प्रोफाइल सॉलिड करनी थी। ये जो भी मैं कोर्सेरा कर रहा था और यूडमी कर रहा था ये इसलिए नहीं कर रहा था मुझे मजा आ रहा था, मुझे ये करना था जब कोई मेरी प्रोफाइल भी देखे तो उन्हें समझ में आना चाहिए नहीं इसके पास एक अच्छे कॉलेजेस के सर्टिफिकेट्स हैं सारे यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज के, इसने खुद से भी काम किया, इसने कंपनी के साथ भी काम किया, इसने खुद से भी गेन्स बनाई हुई है 3 साल से। तो उसके बाद और इसके बाद ये एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम में भी सिलेक्ट हुआ जो ग्लोबली रेनाउंड है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा बेट कर सकते हैं अगर ये सारी चीजें एक्चुअली में ट्रू है तो एज अ फाउंडर प्रोफाइल ये 100% रेडी है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए और ये 100% हासिल करने वाला है। अगर आप जस्ट कॉलेज से बाहर हो तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि मैं कैसे आप पे बैट लगाऊं कि आप 100% 1 साल तक रहोगे। इसमें लाइक इतने अप्स एंड डाउन आते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कि किसी इन्वेस्टर जनरली अनलेस वो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स हो बहुत क्लोजली जानते हैं वो कभी इजीली इन्वेस्ट करेगा ही नहीं अनलेस आपके पास सॉलिड ट्रैक्शन है और आप लाइक वो बेट कर सकता है कि नेक्स्ट 6 महीने में जब इसको इश्यूज आएंगे छोड़ के भाग नहीं जाएगा, विच इज ऑल्सो लाइक एक इन्वेस्टर देखता है आपके अंदर। अरे दोस्त रुको रुको रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो? यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101, इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए एंड थैंक यू।